बारात बहुत प्रेम से चल रही है। ओ नगर निकट बारात सुन आई। नगर के निकट आ गई। मैना आरती लेके आए। मैना जी आरती, मैना शुभ आरती सुमारी। आरती आई, आरती की लौ लगी सांप के, सांप की आंख में, तो उसे फूका, ऊंचे फूका और सांप के फुटकार से आरती बुझी और सांप लपका खाने के लिए मैना को। मैना ने फेंकी आरती, भैया प्राण बचाओ कि कौन आरती उतारता, फेंक दिया आरती, भागी भवन बैठी कर और कह दिया कि कुछ भी करो मैं विवाह नहीं करूंगी तुम सहित पावक जरूं, तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मह परऊं, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह ना। हम लोग आते हैं हमारी भोजपुरी में। मैना ने अपना निर्णय सुना दिया कि जन्म भरी धैरिया कुमारी रही जई है बर बावरे के संग मोरे गौरा नहीं जई है बर बावरे के संग मोरे गौरा नहीं जई बेश भी कराल मुंड माल लपताए बा बेश भी कराल मुंड माल लपताए बा भूत वापिस गौरा नहीं जई है हो बर बौराह नंदी बैल की सवारी नंदी बैल की सवारी जोगिनी जमाते हैं से देत कील कारी जोगिनी जमाते हैं से देत कील कारी के संग मोरी गौरा नहीं जई है बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है पर जन्म भर धेरिया कुमारी रही जई है बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है पर बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है बर बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है भाग औधतुरा घरे भा
भाग अधतुरा घर भाग अधतुरा घर भाग अधतुरा घर भवन मसान भाग अधतुरा भवन मसान बा परम भयंकर विलोकत बिहान परम भयंकर विलोकत बिहान राम भद्राचार्य प्रभु राम भद्राचार्य प्रभु गुण गान गई है जय हो राम भद्राचार्य प्रभु गुण गान गई है पावरे संग मोरे गौरा नाही जई है पर पावरे संग मोरे गौरा नाही जई है पर राम भद्राचार्य प्रभु गुण गान गई है पर पावरे संग मोरे गौरा नाही जई है पर पावरे के संग मोरे ओ गौरा नाही जई है। नारद करे मैं काह बिकारा मन मोरे जी बसत उजारा असम उपदेश बौरे बरही लागी तप की भर पावरे संग मोरी गौरा नाही जई है बावरे के संग गौरा नाही जई। पार्वती जी ने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए अस विचारी सोचो मत माता। अरे जब मेरे कर्म में बावरा लिखा है कर्म लिखा जो बावर ना हो तो कत दोष लगाइए। अरे जन्म भरी धेरिया जन्म भरी धेरिया कुमारी नहीं रही है बर जय हो बावरे के संग रौरा गौरा चली गई जय हो बावरे के संग रौरा गौरा चली गई है बावरे के संग रौरा गौरा चली गई है जन्म भर धेरी कुमारी नहीं रही है पर बावरे के संग रौरा गौरा चली जई है पर बावरे के संग रौरा गौरा चली जई है। नारद जी ने समझाया शिव जी ने कहा मैं राम भक्त हूं पार्वती जी राम भक्ति है कितने भी विघ्न पड़े अब मैं विवाह करूंगा। इंद्र ने बहकाया सुरपति श्रीपति विबुध बात सब सुनी सुनी हंसे कमल कर जोर मोर मुह पुनि पुनि पार्वती मंगल कई बार बताइए आपकी विवाह में तो बहुत बड़ा अपमान हुआ। शिव जी का क्या अपमान हुआ कहा कि आपकी सासू ने आपको देख करके आरती फेंक दिया। शिव जी ने कहा कि प्रत्येक देश की अलग अलग रीति होती है जय हो इस देश की यही रीति है कि दूल्हे को देखकर आरती फेंक दी जाए जय हो। क्यों
आरती उसकी उतारी जाती जिसको नजर लगे। अब मेरा रूप इतना तेजस्वी है किसी की नजर ठहरती नहीं तो आरती उतारी क्यों जाए। जय हो। आपको पानी भी नहीं पिलाया? शिव जी ने कहा मेरी सासू फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करती। उसने देख लिया कि सुरन मौलिक कल्लोलिनी चारु गंगा, मस्तक पर गंगा जी बही रही रहे। कहा जब जवाई राजा को प्यास लगेगी तो एक लोटा उसी गंगा से पी लेंगे, कौन पिलाए। अब गंगा जी जैसा जल यहां नहीं मिलेगा। अच्छा आपकी सासू ने आपको दीपक नहीं दिखाया? का दीपक उसको दिखाया जाता जिसके सामने अधेरा हो। मेरी सासू ने देख लिया कि अखंडमजम भान कोटि प्रकाशम। जय हो। अब करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करी। दादा ये इतना सुंदर प्रकाश तो दीपक की क्यों, दीपक का क्यों अपमान कराया जाए। अरे कहा धन्य हो भगवान। अब भोजन के पश्चात विवाह विवाह हो रहा है। गही गिरीश कुश कन्या पानी भव ही समर्पी जानी भवानी। शिव जी को सौंप दिया। अब तो पानी ग्रहण जब है मैं ये सा पानी ग्रहण जब महेशा हर से तब सकल सुरेखा हर से तब सकल सुरेशा। जब पानी ग्रहण किया शिव जी ने तो सकल सुरेशा। टीकाकार तो कहते हैं मैंने भी लिखा है कि सभी देवता प्रसन्न हुए, पर यहां सकल सुरेशा सभी सुरों के ईश्वर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। जय हो। ही हर से तब सकल सुरेशा सभी सुरों के ईश्वर रामचंद्र जी। अब शंकर जी का कल्याण हो जाएगा। हो भी गया। शंकर जी के पास क्या था? क्या था इनके पास? लेप में चिता का भस्म, भोजन में विष, वस्त्र में दिशाएं, मुकुट में जटा, आभूषण में सर्प का हार, कंठमाला में कपाल, सेवकों में भूत प्रेत। इतना होने पर भी प्रभु आपको, आप कैसे जगत के ईश बन बैठे? चिता भस्माले पो गरल मशनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवी भवानी त्वपाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। जो कुछ मिला है हमारी पार्वती जी के हाथ पकड़ने का ही ये गुण है। जय हो। बेटी धन्य है। धन्य धन्य कर दिया पार्वती जी ने। धन्य धन्य कर दिया।
बेटी ने धन्य धन्य कर दिया पार्वती जी ने शिव जी को। जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभो भई विधिना, सुमन प्रीति न भई विधि सुमन प्रीति भई विधि। धन्य धन्य कर दिया, धन्य धन्य। चरित सिंधु चरित सिंधु गिरिजारमण, कोई दहेज नहीं लिया। पार्वती जी को मीना ने समझाया, बेटी बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव नद, बेटी पति के घर में सम्मान के साथ रहना, शंकर जी के चरण की पूजा करती रहना। वो परम भक्त है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। परम भक्त है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। वो बेटी हम लोग कर क्या सकते हैं। बेटी बिटिया बिटिया, बेटी अपने पति गृह रहियो, अपने पति गृह रहियो, अपने पति गृह रहियो, बन किसान बिटिया, अपने पति गृह रहियो, बन के सान बिटिया, जैसे जैसे चैत के बसंती बिहान, जय हो, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, अपने पति गृह रही हो, पति गृह रही हो, बन के सान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, अपने पति गृह रहियो, अपने पति गृह रहियो, बन के सान बिटिया, चैत्र के बसंती बिहार।
चैत के बसंती बिहान बितिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बितिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बितिया। ओहो कठिन तपस्या करी शिव पद पाई, 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 शिव सम योग्य बर शंभु सम योग्य बर दिए रघुराई, शंभु सम योग्य बर शंभु सम योग्य बर दिए ऐसन प्राणपति ही ये, ऐसन प्राणपति राखो करी प्राण बिटिया, प्राणपति राखो करी प्राण बिटिया, ऐसन बसंती बिहार बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहार बिटिया, ऐसन प्राणपति राखो प्राणपति राखो गरिमान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया। मन क्रम बचने से, मन क्रम बचने से मानिपति आज्ञा, मन क्रम बचने से मानपति आज्ञा, कबहुन शंकर के करो तुम अवज्ञा, कबहुन शंकर करो तुम अवज्ञा, कबहुन शंकर के करो तुम अवज्ञा, चान बिटिया हो रहो पर जैसे दुईजी, चान बिटिया रहो शीश पर जैसे दुईजी, चान बिटिया रहो शंभु शीश जैसे दुईजी के चान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंती बिहान बिटिया, रहो पति घर बनी के तू
चैत के बसंत बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया। वैदिक धर्म करी वैदिक धर्म, वैदिक धर्म वैदिक धर्म पति प्रेम को निभाओ, वैदिक धर्म प्रेम को निभाओ, वैदिक धर्म पति प्रेम को निभाओ। रीति प्रीति करी प्यारे पिया करी जाओ, रीति प्रीति करी प्यारी पिया करी जाओ, रीति प्रीति करी अभिमान बिटिया, शिव की सेवा करो छोड़ी अभिमान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया। शिव की सेवा अभिमान बिटिया, सेवा करो छोड़ी अभिमान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंत पद पूजा करी, शिव पद शिव पद पूजा करी बनो बड़ भागिनी, शिव पद पूजा करी बनो बड़ भागिनी, अचल अचल सुहागिनी, शंभु बाम अंग बनी अचल सुहागिनी, शंभु बाम अंग बनी अचल सुहागिनी। हो राम भद्राचार्य प्रभु, राम भद्राचार्य प्रभु गुण गान बिटिया, जय हो राम भद्राचार्य प्रभु गुण गान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया। राम भद्राचार्य प्रभु के गुण गान राम भद्राचार्य प्रभु के कर गान बिटिया, राम भद्राचार्य प्रभु के कर गान बिटिया, जैसे चैत के बसंत बिहान बिटिया।
चैत के बसंत बिहान बिटिया प्रभु अपने पति घर रहो बन के सान बिटिया अपने पति घर रहो बन के सान बिटिया जैसे चैत के बसंत चैत के बसंती बिहान बिटिया पार्वती मैया की जय हो। निर्माण निर्माय नूतन उदाहरणान रूपम गीतम मयात्र निहितम न पंचकिंचित ये तत्काल बना दिया मुझे कुछ संकोच समय थोड़ी लगता है। पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश में और उसी मर्यादा में जैसा हम कह आए हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से दो सुयोग्य बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी कार्तिकेय जी बन गए देवताओं के सेनापति और गणपति को बनाया अपने गणों का स्वामी। आहा बहुत प्यारा बेटा। एक बार स्पर्धा हुई प्रथम पूज्य कौन बनेगा सब अपने अपने वाहन पर चल पड़े। गणपति के पास तो चूहा है क्या करेंगे चल रहे हैं परंतु ध्यान आ गया नारद बाबा ने कहा था कि राम नाम ही संपूर्ण धर्ममय है और तुरंत गणपति जी ने राम नाम लिखा उसी की सात बार परिक्रमा कर लिया। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभा और प्रथम पूज्य सब देवताओं के आगे सात सात चूहे के चरण के निशान सब चकित हो गए जय जयकार हो गई। बोले गणपति भगवान की जय हो। सब ने कह दिया गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। आनंद कर और दिव्य हो गया। अब सिद्ध बुद्धि के साथ इनका विवाह हो गया। कार्तिकेय जी तक अविवाहित हैं कुमार। गणपति जी का सिद्धि बुद्धि के साथ विवाह दो बेटे लाभ और क्षेम और बेटों को सब कुछ संभलवाकर पति पत्नी वानप्रस्थ की लीला में आ गए हैं। शिव जी पार्वती जी ने कहा मैं गृहस्थी का काम नहीं करूंगी सब दे दिया बहुओं को चाभी ले जाओ। स्वयं सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद
दुखति सकल से वही शिव सुखदा। यहाँ सात लोग रहते हैं, सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर, मुनि और सुकृति। इन्हीं सातों की प्रसन्नता के लिए आगे चलकर सात कांडों में शिव जी राम कथा सुनाएंगे। इन्हीं सातों के लिए सात कांड सुनाएंगे। बैठे सहज ही शंभु कृपा, अपने हाथ से व्याघ्रांबर बिछाकर बैठ गए हैं। कुंद इंद्र दर गर शरीरा, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। भुज प्रलंब पर जन्म पर धन मुनि चीरा, लंबी भुजाएं, परिधान सुंदर। बता रहे एक वक्ता का स्वरूप होना कैसे चाहिए। वैसे दिगंबर रहते हैं पर आज राम जी कथा कहने तो मेकअप करके रखा है, क्या बढ़िया। जय हो। लंबी भुजाएं और परिधन मुनि चीरा, मुनि का वस्त्र धारण किया है, सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण किया, जैसे अभी हमने पहन रखा है इस प्रकार का, सिला हुआ नहीं धारण किया है। तरुण अरुण अंबुज समचरणा ऐसे रखा है, बाम चरण दाहिने चरण प्रति दिख रहा है। तरुण अरुण अंबुज समचरणा नखदित भक्त हृदय तमरना। भुजक भूत भूषण थोड़ा थोड़ा लगा रख, जैसे सुंदर लगे। मुस्कुरा रहे पार्वती जी आई, पार्वती जी ने प्रणाम किया। अब पार्वती जी ने शिव जी से 16 प्रश्न किए, 16 प्रश्न। भगवान ये सब लोग राम राम की बात करते हैं, आप भी दिन रात तुम पुण्य राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंगा राती। आप रात दिन राम 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 करते रहते हैं। वो कौन है राम? और यदि वे राम राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे? क्यों नारी के विरह में उनकी बुद्धि बोरी हो गई? यदि विभु व्यापक समझाइए भगवान। 16 प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछे। कहा कि बताइए, निर्गुण ब्रह्म ने शरीर क्यों धारण किया सगुण का? रामावतार बताइए, बाल चरित्र बताइए, सीता जी का विवाह कैसे, राज्य को छोड़ा उसमें दोष किसका था, वन में रहकर बहुत अपार चरित्र किया, रावण को कैसे मारा, राज सिंहासन पर बैठकर बहुत लीलाएं कैसे की। एक प्रश्न पीछे वाला भूल गई पार्वती जी तरंग में, तो कहा बहुरी कहु करुणा जतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। इस दोहे को सुनकर लोग चकित होते हैं, ऐसा है नहीं। रामचरितमानस में ऐसे भगवान का वर्णन है जो कहीं जाते आते नहीं। उनका वो साकेत क्यों जाएंगे, सब कुछ तो उनका यहीं पर है। फिर इस दोहे को कैसे लगाया जाए? पार्वती कहती है भगवान ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य किया। क्या? सारी प्रजाओं को, संपूर्ण बानर प्रजाओं को अपने पुष्पक विमान में कैसे बिठा लिया ये बताइए बस। ये नहीं कि प्रजा के सहित अपने धाम कैसे गए, नहीं नहीं नहीं, इसे बहुरी कहो, इस बात को फिर से कहिए
मैं भूल गई थी, थोड़ा रिवर्स में चले जाइए। रावण को मारकर संपूर्ण बानरी प्रजा को अपने विमान में चढ़ाकर कैसे ले गए, क्योंकि पद्म 18 जूतक बंदर, बताओ इतना बड़ा विमान हो गया, 18 पद्म युद्धपति बानरों को बिठा लिया। अतिशय प्रीत देख रहे राई लीने सकल विमान चढ़ाई, ये यहां का तात्पर्य। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। हर हिये राम चरित सब आए, हर हिये राम चरित सब आए, प्रेम पुलके लोचन जल छाए, प्रेम पुलके लोचन जल छाए। शिव जी के मुख से पहली चौपाई जो निकली थी उसको यहां भले प्रसंग में लिख दिया उन्होंने, पर पहली चौपाई इनके मुख से यही निकली थी, कौन? मंगल भवन अमंगल दशरथ अजीर बिहारी। यही चौपाई और यही संपूर्ण रामायण, एक चौपाई में संपूर्ण रामायण। शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, बंदो बाल रूप से रामो प्रारंभ किया कथा कहना। कहा पार्वती, अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, और तुम लोग जो सोच रहे हो अगुण माने गुण रहित, नहीं नहीं, जो गुण रहित सगुण तो कैसे, जल ही में पल बेलक नहीं जैसे, भगवान कभी गुणों से रहित होते ही नहीं। ये है कि जब गुणों को छिपा के रखते हैं तब उन्हें निर्गुण कहा जाता है, और जब गुणों को प्रकट करते तब उन्हें सगुण कहा जाता है। एक ही समय में भगवान दोनों होते हैं, निर्गुण भी होते हैं सगुण भी होते हैं। जिन गुणों को छिपा के रखते हैं उनकी दृष्टि से निर्गुण, और जिन गुणों को प्रकट करते हैं उनकी दृष्टि से सगुण। जैसे विवाह लीला में युद्ध के गुण छिपा दिए तो उसकी दृष्टि निर्गुण, और सौंदर्य का गुण प्रकट कर दिया तो सगुण। युद्ध काल में विवाह वाले गुणों को छिपा के रखा तो निर्गुण, वीरता के गुण प्रकट किए तो सगुण। ये सिद्धांत है। पार्वती, रामचंद्र जी अनादि हैं, सब कर परम प्रकाशक जो, सर्वसमर्थ है, बिना पग के चल लेते हैं, पग का प्रयोग नहीं करते, बिना कान का प्रयोग के सुन लेते हैं, बिना हाथ का प्रयोग के अनेक काम कर लेते हैं, बिना मुख चलाए सभी रसों का भोग कर लेते हैं, बोले बिना बहुत बड़े वक्ता हैं, वाणी के बिना वक्ता बन जाते हैं, बहुत बड़े योगी हैं, सब कुछ अलौकिक शरीर के बिना छू लेते हैं, आंख बंद करके भी देख लेते हैं, बिना नाक का प्रयोग के सब कुछ सूंघ लेते, अलौकिक। ये भगवान हमारे राम सो परमात्मा भवानी, ऐसे मेरे राम परमात्मा है। तह भ्रम अति अभिहित तव मान, वहां ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत
नाथ कृपा मम विगत विषादा सुखी भयं प्रभुचरण से। मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान, संदेह मेरा दूर हो गया। क्यों इतना बताइए कि रामचंद्र जी ने किस कारण नर शरीर धारण किया? नाथ धरु नर तन की हेतु, नाथ धरु नर तन की हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष के, मोहि समुझाई कहु। आप मुझे समझा के कहिए, मुझे समझाइए। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि हर्षे कामार तब शंकर परम ज्ञान बाबू तुम्हें प्रसन्न पूर्ण बोले कृपा न बहुत प्रसन्न। सुन शुभ कथा भवानी, राम चरित मानस पार्वती। जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अनेक अनेक शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। असुर मार थापहि सुरन राखहि निज सेतु, जग विस्तार है विशद्य राम जन्म कर। तीन सामान्य चर्चा की। अब पहला प्रसंग पूरा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे शिव चरित सर कहे से पखानी। इस प्रकार मानस के 84 प्रसंग में एक प्रसंग की कथनचित व्याख्या मैंने कर दी। अब दूसरा पुण्य नारद कर्मोह पारा बहुत गैस रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुण्य गायी, तीन प्रसंगों की चर्चा कल करेंगे। सीता अकल राम जी का जन्म, सीता राम जय सीता राम, 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 सीता राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान अरस की आरती, श्रीमन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की, जो शंकर ही हमें प्रगटानी प्रगटानी, भुसुंडी मन में हुलसानी हुलसानी, लसी मुनिया के बल के बानी बानी, श्री तुलसीदास कहे सहुलास सुकवित विलास, नदी रघुनाथ विमल जस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, बिरति पर भक्ति ज्ञान दाता, सुखद पर लोक लोक त्राता, पढ़त मन मधुकर हर साता, सप्त सोपान भक्ति पंथा, सुमेध पुरा शास्त्र इतिहास समंजस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। सोर था दोहा चौपाई चौपाई,
यह राम कथा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा बस होइ हनुमत श्री रंगा राम गोरो ग्रंथ को भो हरे तन को जीवन धन गिर भर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनं पश्चात् स्वात्माभिवंदनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम जनेन जन्यमय जन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम दाशरथाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाढ्यो यथा काल समुद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहतां ग्रंथसत्तम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कल इस कथा में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत उत्साह से मनाया जाएगा। अब प्रेम से अपने लोग भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, नाचेंगे। आज मेरे राघव का जन्म हुआ, मैं तो झूम झूम नाचूं रे। आज मेरे राघव का जन्म हुआ। बोल राघव सरकार की जय हो। श्री सीताराम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। भगवत पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय हो। धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पति जगतगुरु जी महाराज की जय हो। श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। श्री अखंड भूमंडलाचार्य जी जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने निवेदन किया, मार्ग में प्रस्थान करते समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में स्पर्श करके प्रणाम करने का प्रयास नहीं किया जाए, दूर से ही नमो राघवाय बोल करके पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का शुभाशीष हमारे ऊपर बरसता ही रहेगा। इसी क्रम में आज पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वादों से लाभान्वित होने के लिए पधारे हैं झांसी मंडल से DCM साहब। मैं आदरणीय तोमर जी जो